a desire to do something in your life. So there's a concept, I don't know if you guys have heard, I was talking with a couple of folks, there's something called Ikigai. How many of you have heard about Ikigai? Anyone? No? So you should read about it. So basically, it's a book written by a software engineer, so who was like us, but then he was kind of very surprised with the fact that there's a village in Japan wherein there's a village called Okinawa, and people general their living pattern is 90 years to 100 years, and there are many people who are living beyond 100 years and still they are doing their own work. मतलब ऐसा नहीं कि 100 साल के हो गए तो कुछ करने के लायक ही नहीं रहे. They are completely dependent on someone. So they are completely happy and they are doing their own work. So she researched. Sorry, he was a guy. So he researched कि what exactly is happening there. मतलब I am a software engineer in such a big company. I am not that happy. How come these guys who are in a village, they are so much happy and they are living a happy, purposeful, you know, fulfilling life. So वहाँ से उसने concept निकाला Ikigai. So it's an amazing concept wherein it says that you have Ikigai is nothing but purpose in life, being, reason of being, right? Basically, you should have a reason. कि अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ तो किस reason से उठ रहा हूँ, right? And there are instances where people are not even aware ki hum why I'm doing what I'm doing, right? That's not even clear ki main jo kar raha hu kyun kar raha hu, and that's where the consistency breaks, right? Harvard mein ek survey hua tha jisme bola gaya tha ki so it's a famous survey, it's called Harvard MBA survey, you can search on Google. And so they surveyed all the MBA aspirants of Harvard. Now just think about it, Harvard is a big institute, राइट? और उसमें भी एमबीए करने वाला है, मतलब अपने आईएम के एमबीए से भी ज्यादा बड़े होते हैं वो हार्वर्ड के एमबीए, राइट? आईएम अहमदाबाद, राइट? वन ऑफ द बिगेस्ट, ऑफ कोर्स नाउ इट इज ट्राइंग टू मैच, बट हार्वर्ड एमबीए इज समवेयर एल्स, राइट? तो उनसे पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ देम, दिस सर्वे वाज डन समवेयर इन 1979 एंड दे वर आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ पर्पस इन लाइफ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गोल इन योर लाइफ. And would you believe कितने लोगों ने बोला होगा Harvard MBA? Any guesses कितने लोगों ने बोला होगा कि yes I know how many I know my goal? कितने percent लोगों ने बोला होगा? सोच के देखो. Any answer? 1% okay. और कोई answer? 1% यार ज़्यादा harsh हो गए, Harvard के MBA लोग हैं. 2% अच्छा 2%. अरे इंडिया नहीं है भाई, US का Harvard है. चलो 10% ले लेते. 10% ले सकते हो, राइट? हाँ, वो क्लोज आ रहा है, 10% थोड़ा क्लोज है, बट अभी भी. और बताओ, और क्या हो सकता है? 20% राइट. तो 20 और 10 के बीच में ही है. बेसिकली उसमें होता है कि 13% लोगों को ये पता होता है कि दे वांट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ, राइट? सिर्फ 13% लोगों को ये पता है, सोच के देखो, सिर्फ 13% लोगों को ये पता है कि दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ एंड दे हैव अ हेजी आइडिया कि वो क्या करना चाहते हैं. ओनली 13% एंड ओनली 3% वर क्लियरली अवेयर कि व्हाट दे आर, व्हाई दे आर डूइंग एमबीए, व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ इट, व्हाट इज द पर्पस इन देयर लाइफ. और वो 3% लोग बेसिकली हैड अदर पीपल हु हैड कॉन्क्रीट प्लान्स अगेंस्ट देयर एस्पिरेशंस, राइट? दे हैड रिटन दैट ऑन पेपर. हम लोग डिजायर चैप्टर में पढ़ते हैं, राइट? कि व्हाटएवर डिजायर यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन पेपर एंड देन मॉर्निंग इवनिंग यू शुड लुक एट लीस्ट वंस ऑन दैट डिजायर, राइट? दैट्स वेयर इट कम्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. तो सरप्राइजिंगली सिर्फ 3% लोगों ने लिखा था. एंड व्हाट दिस गाइस डिड इज आफ्टर अराउंड 10 इयर्स इन 1989 दे अगेन वेंट एंड चेक्ड अबाउट देयर सिचुएशंस. सरप्राइजिंगली वो जो 13% है वो रिमेनिंग जितना कितना हो गया 13% ऑलमोस्ट 84% ना, ऑलमोस्ट 84% पीपल से डबल सैलरी उनको मिल रही थी, डबल और मोर देन डबल, 2x 3x काइंड ऑफ सैलरी दे वर गेटिंग. सो बेसिकली दे वांटेड टू मेजर समवेयर एंड द मेजरमेंट वाज ऑफ कोर्स सो मेनी थिंग्स कैन हैपन बट दे टुक देयर सैलरी पैकेजेस. बट सरप्राइजिंगली दोस 3% जिनके पास क्लियरली प्लान्स थे दे वर अर्निंग at least 10 times more than those 80
4+13 पीपल राइट ऑलमोस्ट 97% से ज्यादा उनका 10 टाइम्स सैलरी था या इट कैन बी सैलरी इट कैन बी प्रॉफिट दे माइट बी इन बिजनेस एनीथिंग बेसिकली इनकम राइट सो दैट्स अ काइंड ऑफ इफेक्ट दैट पर्पस डज